ये तो आप सब जानते ही हैं कि 29 जून को सिनेमाघरों में गिप्पी ग्रेवल एंड सोनम बाजवा की मूवी कैरी ऑन जट्टा 3 मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये मूवी स्टिल अभी तक भी बहुत ही अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिला है, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। ये इंडियन पंजाबी इंडस्ट्री की नंबर 1 मूवी बन चुकी है, जिस मूवी ने अपने पहले दिन सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। इस कैरी ऑन जट्टा 3 मूवी को पाकिस्तान में भी रिलीज किया गया था। इस मूवी ने पहले 4 दिनों में पाकिस्तान से 7,25,00,000 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरी ऑन जट्टा 3 मूवी ने पहले 9 दिनों में इंडिया से और वर्ल्ड वाइड में कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली और इस मूवी का बजट क्या था, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। कैरी ऑन जट्टा 3 मूवी में वैसे तो हमें बहुत से एक्टर देखने को मिले थे, लेकिन गिप्पी ग्रेवल एंड सोनम बाजवा में लीड रोल में देखने को मिले हैं। अगर बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट था सिर्फ 10 करोड़ और इस मूवी को 800 प्लस स्क्रीन में रिलीज किया गया था। अगर बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो कैरी ऑन जट्टा 3 मूवी ने अपने पहले दिन इंडिया से 4,55,00,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। इस तरह इस मूवी ने अपने पहले दिन में वर्ल्ड वाइड में 10,72,00,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली थी। अगर बात करें इस मूवी के पहले 4 दिनों की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो कैरी ऑन जट्टा 3 मूवी ने पहले 4 दिन में वर्ल्ड वाइड 46,56,00,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली थी। इस मूवी ने तो पहले 2 दिनों में ही अपना बजट रिकवर कर लिया था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। अगर बात करें इस मूवी के पहले 8 दिनों की इंडिया वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो कैरी ऑन जट्टा 3 मूवी ने पहले 8 दिनों में इंडिया से 28 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली थी। इस तरह इस मूवी ने पहले 28 दिनों में वर्ल्ड वाइड 64,25,00,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली थी। अगर बात करें इस मूवी की डे 9 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो कैरी ऑन जट्टा 3 मूवी ने अपने डे 9 के दिन 1,60,00,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। इस तरह इस मूवी ने पहले 9 दिनों में इंडिया से 29,45,00,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। इस तरह इस मूवी ने पहले 9 दिनों में वर्ल्ड वाइड 60 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। इस मूवी का बजट था 10 करोड़। इस मूवी ने पहले 9 दिनों में वर्ल्ड वाइड 60 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस मूवी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं।